हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक हैं, सेफ हैं, खुश हैं, और हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो आज मैं जा रही हूँ भाई के घर। भाई के घर दावत है आज मिलाद की, तो उन्हीं के पास हम मिला। हमारे पास होता है, हमारे हैदराबाद में होता है कि हम लोग खीर पूरियाँ बनाते हैं। डिपेंड, सबकी कंट्री में सबका डिफरेंट होता है, कौन क्या बनाता है वो डिपेंड करता है। हमारे पास तो खीर पूरियाँ बनती हैं, जैसे हलवा सुने ही होंगे, वो जो दाल के अंदर डाल के बनाते हैं। मैं बताऊँगी आगे के वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। वो हमारे पास खोपरे के बनाते हैं, खोए के बनाते हैं, दाल के बनाते हैं, पूरियाँ, खीर। अब डिपेंड, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, इट डिपेंड। हमारे पास तो बनता है, हमारे ससुराल में भी बनता है, तो मैं भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। अभी ये तो भाई के घर जा रहे हैं, भाई के पास आज। मेरे को आती है ड्राइविंग, लेकिन मेरे को करने नहीं देते ड्राइविंग, अकेले बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करने देते। तो मैं भी भाई का वेट कर रही हूँ, भाई आएंगे फिर भाई के साथ मैं जाऊँगी। अभी तकरीबन यहाँ के दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। हाजी साहब ऑलरेडी जॉब पे हैं, वो जॉब से सीधे भाई के घर आने वाले हैं। सलाम कर दो। अस्सलाम वालेकुम। हाउ इज अ नॉटी बॉय? यस, वो खुद कबूल कर रहा है कि ये नॉटी है। अभी मामा का वेट कर रहे हैं आप? कब आएंगे मामा? मामा कमिंग माय होम। व्हेन? आई एम वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मामा कमिंग माय होम। यस, नहीं आए भाई, अभी तक नहीं आए भाई। अचानक ठंडक हो गई। मेलबर्न के वेदर का कोई भरोसा नहीं होता भाई, कभी कुछ रहता। चलो आप लोग भी पहन लो जैकेट। यू ऑल्सो फीलिंग कोल्ड? यस, एंड हॉट हॉट इज बेटर। हॉट इज बेटर। यस, ठीक है। हॉट कॉल्ड फॉर बेटर फॉर ऑल साइड। यू सेइंग कोल्ड इज बेटर? No! शायद अब हमारा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि भाई का भी मैसेज आया कि मैं ऑन द वे हूँ, मैं आ रहा हूँ, गेट गेट रेडी। और मैं कब से की रेडी बैठी हूँ, तकरीबन 2 घंटे हो रहे हैं मेरे। आपको मालूम है हम हैदराबादी कभी भी टाइम पे नहीं आते। कमिंग बेटा, आई केम ऑलरेडी। मैं दिखा रही हूँ भैया। चलिए, ओके, आफ्टर अ लॉन्ग वेट हम लोग जा रहे हैं भाई के घर। ऐसे ड्राइविंग आती है, लेकिन मेरे को चलाने नहीं देते ना। भाई भी मेरे से डरते और मियाँ जी भी मेरे से डरते, बट मियाँ जी नहीं बोलते कुछ। भाई बोलते कि मेरे को बहुत टेंशन होती जब तुम गाड़ी चलाते। हमारे घर से भाई का घर तकरीबन 15 मिनट की दूरी पे, यानी कि 9 किलोमीटर है, बट जाने में 15 मिनट तो लग ही जाते हैं। ये देखिए, ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच ही गए। तो फिर कौन से वाले हैं पूरी आई है? कौन से पूरी? अच्छा, चोबे के हैं ये, दाल के। ये दाल के उसके नहीं बनाए, खोए के। अच्छा, मैं समझ रही थी तुम, अपन दोनों मिलके बनाएंगे मिलके। यस 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 लव्स योर हैंड। मिया भी आ चुके हैं। और ये देखिए, 5 बज रहे हैं। मैं बस अभी 15 मिनट पहले ही पहुंची और इनो आ गए। आज ईद मिलाद है, 12 रबीउल अव्वल है, और हम लोगों ने यहाँ पे दरुद शरीफ की महफ़िल सजाई थी। अब लोग तो ज़्यादा थे नहीं, हम लोग जितने भी थे हम लोगों ने सोचा चलो सब मिल के दरुद शरीफ पढ़ते हैं।
ये हमारे हाथों पे कलर आ गया बादाम, वो जो हम लोग बिंजा पड़ रहे थे पूरा हाथ पे कलर चढ़ गया, इनके हाथ पे भी लग गया, सबके हाथों पे लग गया, ये देखिए मेरे हाथ पे भी लग गया। ये खीर है, ये गवार की फली है, ये है बेहतरीन हैदराबादी कद्दू का दालचा। तो बना लेते हैं, किसी के पास बिरयानी बनती, किसी के पास कुछ बनता, भाभी भी बनाए थे ना, तो उनके पास उन जर्दा बनाए थे, उन लोगों जर्दा बनाते थे। चलिए अभी बहुत ज़ोर की, मेरे को भी भूख लगी, सबको भूख लग रही, अब हम मैं झटपट से खाना वाना खा के फिर आप लोगों के पास फिर वापस आती हूँ। चलिए ये देखिए, ये दाल की है पूरियाँ और ये चोबे के यानी कि खोपरा, इसके अंदर खोवा, बादाम, इलायची, ये सब चीज़ें, इसके साथ ठंडी ठंडी खीर के साथ खाने का जो मज़ा है ना, याम। ये लीजिए आप लोग भी खाइए। मुंह में दाल के जूस जया हेलो डस्टबिन में डाल के जोया जोया शेयर करो जोया के साथ तीनों शेयरिंग इज केयरिंग तमु अल्लाह कोई दे दो भाई हम शेयर करो जोया के साथ देखो जोया कैसा रो रहा है शी वॉन्ट होल थिंग पूरा चाहिए कौन के पास से लिए देखो बाय अल्लाह हाफिज़। अच्छा चलिए जी, मैं अपना व्लॉग अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों ने देखा हम लोग कैसा गए थे, कैसा वापस आए, कैसा भाई का वेट करे और फिर वहाँ पे क्या खाए, क्या बनाए। तो मैं समझ रही थी कि मेरे को वहाँ पे जाके पूरियाँ बनाना है, बट भाभी ऑलरेडी पूरियाँ बना के सब चीज़ रेडी रखे हुए थे, तो मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा। मैं तो आप लोग देखे कि भाभी खाने में दाल चा वगैरह खाना और भी नस की फली, यूजुअली वो गवार की फली बनाए थे, सेम की फली बनाते हैं,
बट अब हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मिलना थोड़ी मुश्किल है सेम की फली, इसलिए हम लोग गंवार की फली बना लिए। गंवार की फली यानी कि इलिटरल फली, इलिटरल फली बना लिए। अब चलिए हम लोग भी वापस खाना पाना खा के वापस आ गए, क्योंकि हस्बैंड की सुबह में जॉब होती और फिर एक रात देर करेंगे तो वापस जल्दी आना था, तो हम लोग आ गए घर अब रात के यहाँ पे 9:30 बज रहे। चलिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, अपने साथ वालों का ख्याल रखिए, सेफ रहिए, कोरोना जैसी बीमारी से बच के रहिए। मेरी भी वैक्सीन बहुत ही जल्द होने वाली है, इंशाल्लाह अगर टाइम मिलेगा तो फिर व्लॉग बनाऊंगी मैं। चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और अगर लाइक तो कोई ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप लोग को मेरा व्लॉग लग कैसे रहा। चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, अल्लाह हाफिज़।